नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आपके हाथ में शुक्र का दोष है। शुक्र का दोष का मतलब आपके हाथ में ये बहुत वैवाहिक जीवन को मतभेदों में बदल देता है और घर की स्थिति जो होती है हमेशा एक कर्जदार के रूप में देखी जाती है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले घटनाक्रम के बारे में बताती है। इसी प्रकार से ये हमारी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा हमारी विचारों की रेखा होती है। हम किसी चीज को कितनी गहराइयों में सोचते हैं उसके बारे में बताती है। और इसी प्रकार से ये हमारी हृदय रेखा है। हृदय रेखा हमारे दिल के बारे में बताती है, हमारे प्यार के बारे में बताती है। सबसे पहले हम देखते हैं शुक्र का दोष। जैसे कि मैं वीडियो में बताता हूं कि अगर स्त्री है तो वो अपना बायां हाथ देखें, और अगर वो पुरुष है तो अपना दाहिना हाथ देखें। अगर ये आपके हाथों में ये दोष बनता है, ये क्या करता है आपके मैरिज लाइफ में स्थिति को खराब करता है, और आपकी जो इनकम है उसको भी रोक के रख देता है। इनकम होती है लेकिन महीना आते आते तक वो बैंक बैलेंस का जो आपका हिसाब किताब वो खराब हो जाता है, मतलब वो आर्थिक तंगी की जैसी स्थिति बनी रहती है। और पति पत्नी के बीच में वो कलह कलेश बना रहता है, और अपने फैमिली के साथ लड़ाई झगड़े का बेस बना रहता है, अपने यार दोस्तों के साथ मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है। ये सारी कुछ न कुछ स्थितियां ये बताती है हमारे शुक्र के दोष को। अब ये शुक्र का दोष कैसे बनता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले ये शुक्र का पर्वत। शुक्र का पर्वत जैसे कहते हैं ना कि हम मैरिज लाइन को वैवाहिक जीवन को देखते हैं, हमारा जो वैवाहिक जीवन का सुख देने वाला आनंद होता है वो शुक्र पर्वत ही बताता है। अगर वो शुक्र का पर्वत ही खराब है तो मैरिज हमारी जो है बहुत ज्यादा बेहतर नहीं मानी जाएगी, और रिलेशनशिप को भी खराब करता है, वैवाहिक जीवन को कष्टों में डाल देता है, और आपके पास जो पैसे की इनकम है उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ने देता है, कहीं ना कहीं हमेशा आपके लिए पैसों में तंगी डालता ही रहता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मां लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा नहीं बरस रही है, और उसकी कृपा पाने के लिए आपको मां लक्ष्मी के उपाय करने पड़ेंगे। देखते हैं कैसे खराब होता है शुक्र की जो ये रेखा है और शुक्र का जो दोष है वो आपके हाथों में कैसे होता है। सबसे पहले जैसी ये शुक्र का पर्वत है, शुक्र के पर्वत के ऊपर ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हमेशा आपके तरक्की को दर्शाती है, आपके पदोन्नत को दर्शाती है, मतलब आपके हर काम अच्छे होने का संकेत बताती है। लेकिन यही इसी का बिल्कुल उल्टा होता है अगर आपके हाथ में यह बनती है हॉरिजॉन्टल लाइनें। अब हॉरिजॉन्टल लाइनें कैसे बनती हैं? यह हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, लाइनों का जाल बन जाए, एक से कई अधिक लाइनों का जाल इकट्ठा होना, जिसको हम बोलते हैं कि ये आपका शुक्र का दोष, ये शुक्र के दोष को दर्शाता है। ऐसी लाइनें ये आपके रिश्ते को बिगाड़ के रख देता है, आपके फैमिली में कला कलेश का कारण बनता है, वैवाहिक जीवन है कुशल नहीं चल पाता है। इसका मतलब पैसे को अभाव को भी दर्शाता है। और यहां पे काला तिल, वैसे तो काला तिल ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अगर यहां पे काला तिल है तो इसका बहुत बुरा प्रभाव दिखाता है।
इसी प्रकार से अगर इस तरह का आपके हाथ में ये चिन्ह बनता है तो समझ लो कि आपको शुक्र के आपको उपाय करने पड़ेंगे। शुक्र का दोष है आपके हाथों में, वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं लेने दे रहा है। इसी प्रकार से क्या करना चाहिए, 7 शुक्रवार को आपने ये उपाय करने हैं। जैसे कि आपने शुक्रवार के दिन मंदिर में जाके मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, और आप मंदिर में जाके जैसे दूध चढ़ा सकते हो, आप चीनी चढ़ा सकते हो और चावल चढ़ा सकते हो, और सफेद कपड़ों का दान भी आप कर सकते हो किसी गरीब आदमी को। और इसी प्रकार से मां लक्ष्मी की आपने आराधना करनी है, पूजा करनी है, और शुक्रवार के दिन ये आपने उपाय करने हैं। जैसे कि सफेद गाय को आपने अपने हाथों से नजदीक से रोटी खिलाना है। इसका मतलब ये है कि आपने मां लक्ष्मी को मनाना है, गौ माता को आपने अपने हाथ से खिला के रोटी, उनकी वाइब्रेशन लेना है। एक एनर्जी होती है जो कि आपको प्रभावित करते हैं, दोषों को दूर करती है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करते रहना, क्योंकि आपका एक लाइक जो होता है ना हमें प्रभावित करता है, हमें एनर्जी देता है ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो दोस्तों आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।